तो हेलो गाइस, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि आप लोग अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एमपी बोर्ड ऑफिशियल के चैनल पे आना होगा और यहां पे जो ये पहला वीडियो डाला हुआ है, प्रवेश पत्र कैसे डाउनलोड करें, यहां पे आप क्लिक करेंगे तो यहां पे आप आ चुके हैं। तो यहां पे आने के बाद आपको यहां पे इसके डिस्क्रिप्शन में आना होगा और यहाँ पे एक लिंक दी होगी, यहाँ पे आप टच करेंगे तो यहाँ पे हमारी लिंक ओपन हो रही है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी लिंक ओपन हो चुकी है। तो हमें अपना रोल नंबर या फिर आवेदन क्रमांक तो पता नहीं, हम ऐसे ही डाल के देखते हैं। हम इसको 6/6/12 हुआ तो ये 12 लिख देते हैं और आवेदन क्रमांक कोई भी डाल देते हैं, जैसे कि 13/12/10/01। ये मेरा 10वीं क्लास में आवेदन क्रमांक था, एप्लीकेशन नंबर था, तो मैं इसी को डाल के देख रहा हूँ, शायद इसी से ओपन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो कि डाल दिया है और मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे वंदना पटेल का ओपन हुआ है, जैसे कि मेरा नाम अनुपम प्रजापति था तो मेरा नाम यहाँ पे चेंज, को पता नहीं कैसे आ गया, हो गया, अब चेंज हो गया होगा। अब देख सकते हो कि ये 18 तारीख से, तो बार 10वीं क्लास वालों के पेपर थे 18/2/22 से, तो इस तरह का एडमिट कार्ड आया हुआ है। ये तो क्लास 10 का लग रहा है। तो गाइज़ आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोग भी इसी तरह देख सकते हैं। धन्यवाद।